हे गाइस, हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे हों और आप अपनी प्रिपरेशन को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में साउंड के नेक्स्ट चैप्टर लेके। सॉरी फॉर द डिलेज। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे फॉर्म फिलिंग को लेके, सो मेरा वो वीडियो आपके सामने आया था। सो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके सामने है। एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। यू हैव सफिशियंट टाइम नाउ। आप आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रिपरेशन के साथ साथ में यू हैव इनफ टाइम फॉर टेस्ट सीरीज़ आल्सो। बिल्कुल, हमको प्रिपरेशन के साथ में टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू रखनी है। सो एक बार टेस्ट सीरीज़ को हम देख लेते हैं। सो दोस्तों, आप अपनी DFCL की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट को देके। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेस्ट बुक की ऐप पे। टेस्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है यूँ तो 299 रुपीज़ का है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 तो आपको 30 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो कि 269 का होगा। इसमें आप 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए भी मॉक दे सकते हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखें, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आगे टॉपिक्स के बारे में, जो कि है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड्स के बारे में और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक कैसे वो लाउडनेस है, इंटेंसिटी, पिच, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी और टिम्बर। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे दो चीज़ें होती हैं, जैसे ढोलक होता है, बांसुरी होता है, तो दोनों की साउंड डिफ़र करती है, वो किस बेस पे डिफ़र करती है, तो उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। सो आप देख सकते हैं 6.15 में लाउडनेस और इंटेंसिटी। द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर विच इनेबल एस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड और फेंट साउंड। फेंट साउंड का मतलब होता है धीमी आवाज़। जिस सेंसेशन से हमको पता चलता है कि वो आवाज़ तेज़ है या धीमी है, उसको हम लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो लाउडनेस जो होती है वो फंक्शन होती है एम्पलीट्यूड का, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और प्रोपोर्शनल में कैसे रहती है, द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। वो स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सोर्स के जितना हम करीब होंगे, उतनी हमको वो आवाज़ लाउड सुनाई देगी। लेसर द डिस्टेंस मोर द लाउडनेस, फर्दर द डिस्टेंस लेसर द लाउडनेस, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया ऑफ द वाइब्रेशन बॉडी, बिल्कुल, अगर लार्जर द साइज लार्जर द बॉडी, करेक्ट। शेर जोर से दहाड़ता है और मच्छर हल्के से भिन भिनाता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, ऑब्वियसली डेंसिटी कैसा है, एयर इज लेस डेंसर देन वाटर एंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के। इसको हम मेजर वेजर नहीं कर सकते हैं, बस इसके पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। मेजर जो पॉइंट है इसका लाउडनेस का, वो यही है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आपके एग्जाम में या तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट पूछी जाएगी या उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सोर्स से कितनी एनर्जी निकल रही है एक टाइम और एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसको कहा जाता है इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो वाट पर मीटर स्क्वेयर होती है। कुछ स्टूडेंट्स डेसिबल भी ऑप्शन में रहता है और जल्दबाजी में वो डेसिबल टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। और इंटेंसिटी की यूनिट आपसे जब भी पूछा जाए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेक श्योर आप वाट पर मीटर स्क्वेयर ही लगाएं। अब पूछेंगे, सर ये लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है, एक बार हम देख लेते हैं। लाउडनेस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, हम इसको मेजर नहीं करते हैं, बस ये एक सेंसेशन है हियरिंग के लिए। और इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी एक बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी, हम इसको मेजर करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सेंसिटिव ऑफ ईयर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। एक दूसरा सेंसिटिविटी मैं बताता हूँ, जैसे जब हम रूम में अपने जब घर में हॉल में जब हम टीवी चलाते हैं, तो कुछ मेंबर्स को टीवी की आवाज़ ज़्यादा लाउड फील होती है, कुछ को लेस लाउड फील होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल, क्या उस केस में इंटेंसिटी सेम है कि डिफरेंट है। एक्चुअली उस केस में इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि आपने वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर नंबर पे सेट कर रखा है। मान लीजिए आपने 20 पे सेट कर रखा है,
तो उस 20 में एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में सेम एनर्जी हो रही है, बट किसी के कान ज़्यादा सेंसिटिव हैं, किसी के लेस सेंसिटिव हैं, तो किसी को वो लाउड फील होती है, किसी को लेस लाउड फील होती है। आई होप इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। पिच, आप अगर आप थोड़ा बहुत भी गाने वाने सुनते हैं तो आपको पिच को ऑलरेडी पता होगा। म्यूज़िक में पिच यूज़ होती है, हाई पिच, लो पिच। पिच का मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूँ, जैसे के अपने सिंगर के बारे में आप जानते होंगे, के एक सिंगर है बॉलीवुड में, वो जो भी सॉन्ग्स मोस्टली उन्होंने गाए हैं वो हाई पिच में गाए हैं, जैसे कि क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, दिल इबादत कर रहा है, लाइक बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हाई पिच में गाए जाते हैं। उनका फ्रीक्वेंसी जो उनका जो आप ग्राफ देख सकते हैं फिगर 6.14 में, फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा है। और लो पिच में भी कुछ सॉन्ग्स होते हैं, जैसे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ, ठीक है, कहने को जश्न बहारा है, वो कितना सॉफ्ट है उसका, बेस से भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, लाइक दैट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट आपको शेयर कर देता हूँ, ये एग्ज़ाम में तो नहीं रहेगा बट आपको पता होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लेडीज़ की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है यूजली देन मैन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन वॉइस इज़ अराउंड 280 हर्ट्स, मैन की 140 हर्ट्स के अराउंड होती है। ओके, साउंड इज एक्सट्रीमली लाउड अनलेस 1:1 कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी द वॉइस ऑफ लेडीज स्टिल। आई होप थिंग्स आर क्लियर। पिच का लाउडनेस से कोई रिलेशन नहीं है। आप सोचेंगे पिच का मतलब होता है बहुत तेज़, लाइक बहुत तेज़ नहीं, कोई हाई, कोई धीमा होके भी हाई पिच हो सकता है, कोई लाउड होके भी लो पिच हो सकता है। एग्जांपल मैंने आपसे बताया था मच्छर वाला, जो मच्छर होता है वो बहुत धीमी आवाज़ में भिनभिनाता है लेकिन उसकी पिच साउंड पिच उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अगेन ये पिच जो है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, जैसे लाउडनेस था, ठीक है, सेम। और जो लाइन जो होता है वो जोर से दहाड़ता है बट उसका पिच जो है लो होता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में, साउंड क्वालिटी क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, इन सब के बारे में। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो वेव फॉर्म होती है उसी को कहते हैं। डिफरेंट साउंड डिफरेंट वेव फॉर्म जनरेट करती हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। हमारा जो है 6.15 में आप देख सकते हैं वेव डिस्ट्रीब्यूशन किसका, पियानो का कैसा है, कैसा है, इन सबको। सिंगल टोन फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोन बोलते हैं, और मिक्सचर को हम नोट बोलते हैं। आई होप ये दो डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको टोन और नोट की डेफिनेशंस इसमें पढ़ती हूँ। म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? म्यूज़िक एक्चुअली क्या है, साउंड्स का बहुत ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइजेशन टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स के साथ उसका प्रेजेंटेशन है। नॉइज़ क्या है, इरेगुलर है, एकदम मिक्सचर है, भसड़ है, इसी को डेफिनेशन कहा गया है। ये हम मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी बातें कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो। आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़। इट्स अ प्लीजेंट इफेक्ट टू ईयर, ऑब्वियसली हमको सुन के अच्छा लगता है, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हम रोमांटिक फील करते हैं। आप कोई सॉन्ग अगर हाई एनर्जी पे है तो हम मोटिवेशन भी फील करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। नॉइज़, इट्स इज़ एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ द ईयर, यस करेक्ट, नॉइज़ तो अनप्लीजेंट इफेक्ट है। इट म्यूजिक साउंड में क्या लिखा हुआ है, मैं टेबल पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ साउंड इम्पल्स विच फॉलोज वन अनदर रेगुलरली, एक के बाद एक रेगुलरली उसमें आता है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है। फ्रीक्वेंसी जो है हाई रहती है म्यूजिकल्स की, इसकी लो रहती है, और इसमें कोई सडन चेंज नहीं होता एम्पलीट्यूड में, उसमें सडन चेंज होता रहता है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें आपको ये क्लियर हुई हों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझते हो, कोई चीज़ गई टकरा के वापस आ गई। लाइट में हमने देखा है, हम शीशे के सामने ऐसे टॉर्च लगाते हैं तो लाइट टकरा के वापस आती है, तो साउंड भी तो टकरा के वापस आती है, तो रिफ्लेक्शन। तो वो कौन से लॉज फॉलो करती है उसके बारे में हम जानेंगे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो दो लॉज फॉलो करती है, एक्चुअली वो एकदम एनालॉगस हैं हमारे लाइट के लॉज से, तो बहुत सिमिलर हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करते हैं। आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 6.17 आपके सामने है। हमने एक आपको याद हो, हमने स्कूल में एक प्रोजेक्ट करते थे, एक टेबल रख लेते थे, टेबल पे हम चार्ट को ऐसे फोल्ड करके रख देते थे, एक साइड हम घड़ी रख देते थे, सेम एंगल के साथ में हम दीवार के साथ हम
अपना कान सटा के, दूसरा चार्ट लग के कान सटा के देखते थे, तो सेम हमको वो पूरा टिक टिक सुनाई देता था। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमको वो क्लियर सुनाई देगी। एक्चुअली एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो साउंड जो होता है, साउंड के लिए हमको सरफेस इरेगुलर भी चलेगा रेगुलर भी चलेगा, बट लाइट के लिए हम उसको हम पॉलिश रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे इको के बारे में। इको मतलब क्या होता है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमको पढ़ना है थोड़ा सा। इको जो होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारा बोला हुआ जो जब वो जाता है और टकरा के वापस आता है हमको ही सुनाई देता है, उसको हम इको कहते हैं। ओके, उसके कुछ रूल्स रहते हैं, वो डिस्टेंस कितना रहेगा, उसका टाइम कितना रहेगा, ठीक है। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 6.21। इको, इको इज अ फिनोमिना ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑफ ए सोर्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से सोर्स तक वापस आना उस साउंड का, इसको कहा जाता है। पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कि वो साउंड अपने दिमाग में कब तक रहती है, कब तक सुनाई देती है, उसको टाइम लिया जाता है 1/10 सेकेंड, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, हमको यही रखना है। अगर हम इको का एक फॉर्मूला निकालते हैं तो देखो वो डिस्टेंस डबल हो गया, यहाँ से गई वापस आई, दीवार से टकरा के वापस आई, तो डिस्टेंस उसने डी और डी 2D हो गया आपके साथ डिस्टेंस। वेलोसिटी आपको पता ही है, एयर में हम बातें कर रहे हैं तो एयर में वेलोसिटी कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, और टाइम तो 1/10 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम डी निकालते हैं वो आता है 17.2 मीटर। तो क्वेश्चन आपका बनता है MCQ, फॉर हियरिंग ए डिस्टेंस इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स शुड बी 17.2 मीटर, इतना होना चाहिए। ये चेंज भी हो सकता है टेम्परेचर के साथ में, डायरेक्शन के साथ में भी, बट 17.2 क्वेश्चन ही रहेगा। मल्टीपल इकोज हम इसको यूज़ भी करते हैं, जब चार्ट बना के वो करते हैं तो साउंड ऐसे ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो ट्रेवल भी करती है। ओके, टू डिस्टेंस बिल्डिंग, जब हम काफ़ी पहाड़ों पे चले जाते हैं तो डिस्टेंस में चिल्लाते हैं राधा 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 राधा, तो लाइक वो भी हमको सुनाई देता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ये जनरल साइंस, और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए मैं आप सबसे ये शेयर कर रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। हम स्पीकिंग ट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें हम जब बोलते हैं वही दूसरे को सुनाई देता है पूरा, वैसे सुनाई हम बोलते हैं तो नॉर्मल सुनाई देता है, लेकिन वैसे सुनते हैं तो उसको बहुत ज़ोर से सुनाई देता है, ठीक है। ईयर ट्रम्पेट्स, बिल्कुल हमारे ईयर में एक पार्ट रहता है उसमें से उठ जाती है साउंड। हियरिंग एड्स, जिनको कम सुनाई देते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, हियरिंग एड क्या रहता है, उसका बाहर से एरिया ज़्यादा रहता है, वो पूरी एनर्जी को लेता है और एक कन्फाइंड वे में उसको ईयर ड्रम्स पे आपके डालता है, करेक्ट, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके। स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सेम रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड पे ही ये बेस्ड है। ये एग्जांपल्स हैं ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कंक्रीट हॉल्स और सिनेमा घर के जो होती हैं, एक्चुअली जब आप कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो उसकी जो छत होती है वो कर्व बनाई जाती है, सो दैट जो रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल सुनाई दे सब लोगों को, करेक्ट, वो पैरेलल रहे। और जो स्टेडियम जो हॉल रहता है आपका, जो उसका जो बैक स्टेज का जो पोर्शन होता है वो भी कर्वी नेचर का होता है, सो दैट वो पूरा उससे टकरा के पूरा पैरेलल ही सुने आपको। बस आपको ये याद रखना है कि जो सीलिंग ऑफ हॉल होती है वो कर्वी नेचर होती हैं, ताकि वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही से सुनाई दे। गूंजना, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ओके, द फिनोमेना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड ऑफ ऑडिबल साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग, वो बार 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 वो गूंजती रहती है उसको हम, और ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी चीज़ का गूंजना, तो हम क्या करते हैं इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, रिवर्बरेशन। ओके, तो हम इसको रिड्यूस कैसे कैसे मेथड से कर सकते हैं, हम जो दीवारें हैं हम अपनी दीवारों को क्या लगा सकते हैं, साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके घरों में ट्रेज रखी रहती हैं, एग ट्रेज, वो एग ट्रेज जैसा कुछ कुछ लगाए रखते हैं, वो एग ट्रेज क्या रहती हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। सो अभी तो मेरे रूम में कंक्रीट दीवारें हैं, आपको शायद कुछ आवाज़ गूंजती भी होगी। फ्लोर को वो कारपेट लगा देते हैं, ठीक है, और फॉल्स सीलिंग लगाई जाती है जो कि यूज़ हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है थोड़ा सा, मतलब कि आपको उसको एलिमिनेट नहीं करना है, आपको उसको रिड्यूस करना है, आप समझे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। और इसके थर्ड वीडियोज़ में हम बात करेंगे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ किस रेंज में रहनी चाहिए, एंड फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। उसके बाद में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, 3 वीडियोज़ में ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया। आई एम श्योर इससे 3 to 4 questions एक्सपेक्टेड हैं।
टू टू थ्री क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, अल्ट्रासोनिक, सोनार वगैरह, रडार वगैरह, आई होप आप आने वाले वीडियोस भी देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी वीडियोस के भी लिंक है DFCCIL को लेके, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।